ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਉਡਾਰੀ। ਜੱਸੂ ਕੋ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਲੋ ਫਤਿਹ, मुझे बुरा नहीं लगेगा, डोंट वरी। अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है ना जैस्मिन, तो शौक से बढ़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी कनाडा से बढ़के है क्या उसके लिए? कुछ भी तो नहीं है। बड़े अपनी लाइफ में आ गए। आई डोंट केयर। गुड इफ यू डोंट केयर। खाना खाओ और सो जाओ। सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। मैं अंकल जी को कह दूंगी कि तुम फाइट नहीं लड़ रहे हो। फतेह सिंह विर्क ये मैच लड़ेगा। फतेह तुम, ये तो आपको तब सोचना चाहिए था ना जब आपने पापा को इंटरव्यू वाला आइडिया दिया था। अब बहुत देर हो चुकी है तेजो जी, फतेह सिंह विर्क कल रिंग में उतरेगा, ये फाइट लड़ेगा। और वैसे भी किसी को क्या फर्क पड़ता है, पापा के लिए एक बार चाकू तो खा ही चुका हूं, एक फाइट तो लड़ ही सकता हूं ना मैं। हो गया मेरा खाना। फतेह, फाइट बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास है। आज आपके सामने है वो बॉक्सर जिन्होंने हर बार अपने अपोनेंट को नॉकआउट किया है, जिनसे आज तक कोई नहीं जीत पाया, चैंपियन ऑफ द इंडिया गोल्डन। और दूसरी तरफ है एक ऐसा बॉक्सर जो आज तक किसी से नहीं हारा, जिसने अपनी सारी फाइट्स नॉक आउट से ही जीती हैं। इन द रेड कॉर्नर द अनमैच्ड चैंपियन ऑफ पंजाब फतेह सिंह विर्क। आज पंजाब की इज्जत ना तेरे हाथ में है, जा कुछ भी हो जाए जीत के आना है। ओके ओके तो बोल जा। All the best. जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये मैच एक चैरिटी मैच है जिसका विनिंग अमाउंट है 50 लाख। और अगर फतेह सिंह विर्क ने ये मैच जीता तो सारा का सारा विनिंग अमाउंट पंजाब की यूथ फेडरेशन के लिए दिया जाएगा। This is not a match. This is a war. आइए देखते हैं कौन जीतता है और किसकी होती है हार। लेकिन इस बार वो हावी हो रहे हैं फतेह सिंह विर्क पर। ओए तू फिकर ना कर पुत्र, देख लेना अपने फतेह ने ही जीतना है। कम ऑन वीर जी, ओ फटे चक दे। कौन दे कौन दे कौन दे कौन दे कौन दे कौन दे।
अंकल जी मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहीं हमने फतेह को इस फाइट में लाके कोई गलती तो नहीं की? फिक्र ना कर पुत्र, तूने जो किया बिल्कुल सही किया। अपने बेटे को जानता हूं मैं, वो जब भी खेलेगा जान लगा के खेलेगा। नेचुरल फाइट लड़ी नहीं रहा। देखना चाहती है ना बॉक्सिंग रिंग में बंदे को कितना दर्द होता है? अब मैं आपको दिखाऊंगा कि दर्द होता क्या है। अंकल जी, मैं बॉक्सिंग के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, पर फतेह को देख के लग रहा है कि आज इसका फोकस इस मैच में नहीं है। मामी जी, मेरे लिए खाना खाने की वेट मत करेगा, मैं बाहर जा रही हूँ लंच करके आऊंगी। लंच कर या डिनर, बस कोई तमाशा खड़ा मत करना। वैसे बात बढ़ती नजर आ रही है गिप्पी से। तभी तो, वरना ऐसी थोड़ी ना वो मुझे रोज रोज कॉफी और लंच पे ले जाता। देख, तू इस घर की बेटी है इसीलिए समझा रही हूँ, थोड़ा नरमी से बात किया कर, झुक कर। मेरे दादाजी कहते थे जो झुकते हैं उन्हीं में जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। प्रीतो, हेलो। हाँ प्रीता, तुझे पता मैं गिप्पी से मिले। क्या इस चैरिटी मैच में फतेह सिंह विर्क की हार लगभग तय है, काफी उम्मीदें थी उनसे, लोगों को, उनके फैंस को, लेकिन लग रहा है कि आज मायूसी ही हाथ है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे ये क्या, गोर्डन लगातार फतेह पे 25 की पोछार करते हुए, लेकिन फतेह इतना डिफेंसिव क्यों खेल रहा है? ये तो अपने अटैक के लिए जाना जाता है। और ये एक और हुक। लेकिन नहीं, क्या फतेह सिंह विर्क उठ पाएंगे इस बार, या गोर्डन को ही पहले राउंड में विजेता घोषित कर दिया जाएगा? इट्स ओवर, आई थिंक It's all over. 7-6 फतेह सिंह विर्क के करियर की शायद ये पहली फाइट होगी जो ये हारेंगे। नॉकआउट किंग आज खुद ही नॉकआउट हो गया। 2 फतेह सिंह विर्क एक बार फिर से लड़ने को तैयार। ये लड़के से रहा है। लड़ी तो नहीं रहा। यार कुछ हो ना जाए फतेह को। हो जाए तो हो जाए, और तू ये सब मुझे क्यों बता रही है? वैसे भी बॉक्सिंग में थोड़ी बहुत चोटें लगती रहती हैं। जस्सू तू बोल रही है, वो भी फतेह के बारे में? तुझे जरा भी टेंशन नहीं हो रही? ओ यार प्रीतो, तूने तो कहा था ना कि मूव ऑन कर चुका है फतेह, बोल रही थी ना तू। और वैसे भी उसने कौन सी कदर करी है मेरे प्यार की, मैं क्यों फिक्र करूं उसकी? हाय रब्बा, तेरी सुई अभी तक वहीं टिकी पड़ी है, तू समझ क्यों नहीं रही है कि मुझे कुछ भी नहीं समझना है प्रीतो, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे गिप्पी से मिलने जाना है।
सकता कि अब फतेह सिंह विर्क गॉर्डन के गुस्से को उनके पंचेस को और ज्यादा झेल पाएंगे। पूरी तरह से एक तरफा मुकाबला इस समय हो गया है और अब गॉर्डन पूरी तरह से फतेह पर हावी हो। अंकल जी प्लीज, ये फाइट कैसे भी रुकवा दीजिए, ये जानबूझ के हार रहे हैं, जानबूझ के अपने आप को तकलीफ दे रहे। अंकल जी प्लीज प्लीज ये फाइट रुकवा दीजिए प्लीज। Congratulations. पता नहीं उठो प्लीज। सॉरी पता प्लीज सॉरी पता मत उठो। फतेह एक बार फिर से अपने पैरों पे, और उधर गॉर्डन का अटैक थमने का नाम नहीं ले रहा, और यहाँ पे फतेह की हिम्मत है कि टूट नहीं रही। ये मैच एक रोमांचक मोड पर पहुंचता हुआ। सब ठीक है निमो? कितने ठीक है दीदी, कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ। अच्छा हुआ कि आप यहाँ नहीं आए, वरना मेरी तरह आप सभी उसका हाल देखा नहीं जाना था। क्या हुआ मेरे फतेह को? क्या हुआ? वे मार खा खा के अधमरा हो गया बेचारा मुंडा। ये संधु कुड़ियों ने जिंदगी बर्बाद करके रख दी है मेरे बच्चे की। एक ने उसकी खुशी छीन ली, दूसरी गई उसकी जिंदगी। मेरी माता रानी ने मेरे बच्चे की रक्षा करना। पते प्लीज स्टॉप दिस, घर चलो पते, नॉकआउट हो जाओ। आंटी जी को फोन करती हूँ। इस लड़के के बारे में क्या जानती है? जैस्मिन को कैसे मिला? जैस्मिन इसे पसंद करती है क्या? तो तुम खुद को ये तकलीफ जैस्मिन की वजह से दे रहे हो। अरे ये तो फतेह है ना? जी मामी जी। पता नहीं क्या हालत हो गई बेचारे की। सत्ती बहन जी तो कह रहे थे फतेह बड़ा अच्छा बॉक्सर है, पर ये ढंग से लड़ क्यों नहीं रहा? ऐसा लग रहा है जैसे मैच में इसका ध्यान ही ना हो। ध्यान होगा भी कैसे इसका मैच पे? फोटो जो देख ली होनी उसने गिप्पी और मेरी, तभी तो दिमाग हिल गया इसका। बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होना इससे, मुझे पता है मेरे बिना रह ही नहीं सकता ये। 100% मिस करना होना है मुझे। फतेह तुम्हारा सपना तो हमेशा से ओलंपिक्स जीतना था ना? अच्छा तो मतलब मेरा सपना पूरा करने के लिए तुम खुद के सपने को भूल जाओगे? बिल्कुल, तुम्हारा सपना है कनाडा जाना और तुम मेरा सपना हो। मेरे पास ना एक आइडिया है, तुम ना कनाडा जाने के बाद भी बॉक्सिंग करना, और वहां जाने के बाद भी मैं तुम्हें पता कैसे चेयर करूंगी। कैसे? फाते 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 बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाया। जे मैं तैनू अंदर ढूंढा ते बाहर किस माया। अंदर तू है बाहर
देखो यहाँ, यही वजह ना जिसकी वजह से तुम अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो। क्यों फतेह, क्यों? इसकी वजह से तुम अपना देश, अपनी फैमिली, अपना पंजाब, अपना पैशन सब कुछ भूल गए। जैस्मिन से मिलने से पहले तुम एक स्पोर्ट्समैन थे, एक बॉक्सर थे जो सिर्फ अपनी फैमिली का नाम रोशन करना चाहता था, अपने देश का नाम रोशन करना चाहता था। कहाँ गया वो बॉक्सर, कहाँ गया वो स्पोर्ट्समैन? और ये सजा जो तुम दे रहे हो ना अपने आप को फतेह, ये सिर्फ खुद को नहीं, ये सजा तुम दे रहे हो अपने पापा को, उनके मान को, उनके गुरूर को। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है, शर्म से मेरा सर नहीं झुकने देगा। इंडिया के साथ साथ अपने परिवार और अपने एरिया का नाम भी रोशन करेगा। ये सजा तुम दे रहे हो अपनी मम्मी को, जो इस वक्त तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही होगी तुम्हारी सही सलामती की, तुम्हारी जीत की। और तुम ये सजा तुम दे रहे हो मुझे, और जिस जैस्मिन के लिए तुम ये सब कर रहे हो फतेह, उसे पता भी नहीं होगा, और अगर पता भी होगा ना तो भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जानते हो क्यों? ये देखो, क्योंकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और तुम अभी तक वहीं खड़े हो। हर वक्त किसी के लिए आंसू बहाने से जिंदगी आगे नहीं बढ़ती फतेह। जिसके लिए तुम ये खून के घूंट पी रहे हो ना, वो अभी कहीं बैठ के कॉफी पी रही होगी किसी के साथ। जब वो लाइफ में आगे बढ़ सकती है फतेह, तो तुम क्यों नहीं? सही कहा था पापा ने, तुम पहले वाले फतेह हो ही नहीं, क्योंकि पहले वाला फतेह इतना कमजोर नहीं था, वो एक फाइटर था। गुस्सा आ रहा है ना फतेह, तो निकालो अपना गुस्सा, लेकिन खुद पर नहीं, सामने वाले पर। अब देखना ये होगा कि क्या गॉर्डन फतेह से फिर का नॉकआउट पंच खेल पाएंगे, क्या ये खेल पाएंगे? नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री। तो आखिरकार फतेह सिंह बिर्क ने ये मैच जीत लिया है। भीड़ में एक अलग ही खुशी की लहर देखने को मिल रही है। मैं बता दूं कि ऐसे मैच रोज रोज देखने को नहीं मिलते, जहां एक तरफ लग रहा था कि फतेह सिंह बिर्क अपनी हिम्मत हार चुके हैं, काफी डूब चुके हैं, काफी गहरी चोटें भी आई, लेकिन उसी के चलते एक बड़ा पलटवार फतेह सिंह बिर्क ने गॉर्डन से किया।